तो कीबोर्ड तो मैंने अपने कितने ही तरह के काम में लिए होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं जो लेजर कीबोर्ड होते हैं ये क्या होता है और ये काम कैसे करते हैं? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि लेजर कीबोर्ड क्या होता है और ये कैसे काम करता है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत भारत, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों जो लेजर कीबोर्ड है इसकी टेक्निक कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी चलती आ रही है और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। तो लेजर कीबोर्ड है ये आपको बहुत आसानी से किसी भी मार्केट में मिल जाते हैं, चाहे आप इसे ऑनलाइन खरीदें या फिर किसी लोकल स्टोर से आप इसे खरीद सकते हैं। इसमें आपको एक छोटा सा डिब्बा दिया जाता है जिसे आप अपने कंप्यूटर से यूएसबी के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसे आप जिस भी टेबल पर रखते हैं उस टेबल के ऊपर सरफेस पर एक कीबोर्ड का लेआउट बना देता है, जिसमें यानी कि उसमें आपको कीबोर्ड नहीं होता मगर ये आपकी उसमें जो लेजर लाइट दी होती है उसी के जरिए इसमें कीबोर्ड बना देता है और ये आपको एक फ्लैट सरफेस पर रखना होता है। जैसे आप जो इसने जो लाइट के द्वारा जो कीबोर्ड तैयार किया है उस पर आप अंगुली रखते हैं तो सामने वो अक्सर टाइप हो जाता है। आखिर ये काम कैसे करते हैं? तो लेजर कीबोर्ड होता है उसमें आपको आगे लेजर के द्वारा लाइट बना कर दी जाती है, यानी कि उसमें पूरा मैप तैयार किया जाता है कीबोर्ड का, सेम हूबहू जैसे ओरिजिनल कीबोर्ड है उसी तरह इसमें आपको उस फ्लैट सरफेस पर एक मैप तैयार कर दिया जाता है। उसमें आप सभी अक्षर होते हैं, आप उन किसी भी अक्षर को दबाते हैं तो वो काम कर जाता है। आखिर ये काम कैसे करते हैं? जो आपने आगे जो उसका रिसीवर है उसमें एक कैमरा लगाता है, वो कैमरा आपकी सभी उंगलियों को डिटेक्ट करता है, यानी कि आपने किस अक्षर पर उंगली लिखी वो उसे डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से वो आगे इन्फॉर्मेशन भेजता है कि इसने इस पर उंगली लिखी है, इसका मतलब ये अक्षर दबाना चाहता है। ये हुई इसके काम करने का तरीका और इसी तरह ये काम करता है। अगर आपने एक साथ तीन चार उंगलियों से काम किया तो इसके लिए वो इन्फॉर्मेशन आगे भेजना कठिन हो जाता है, क्योंकि ये आपकी उंगलियों को ट्रैक करने में कुछ ज़्यादा आसानी से नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप फास्ट टाइपिंग करते हैं तो उसमें आप इतनी फास्ट टाइपिंग नहीं कर सकते, मगर आप किसी अच्छे कीबोर्ड का शोर होते हैं, यानी कि आप किसी को ये ध्यान देते हैं कि मेरे पास ये कीबोर्ड है जो एकदम पारदर्शी है फिर भी हम इसमें टाइप कर सकते हैं, तो आपके लिए लेजर कीबोर्ड बहुत अच्छा ऑप्शन है। मगर इसमें आपको इतनी ज़्यादा एक्यूरेंसी नहीं मिलती, क्योंकि जो होता है उस लेजर लाइट उसके जरिए अगर आप क्या कोई दो उंगली से टाइप कर रहे हैं, मान लो आपका हाथ ऐसे है तो आपने पीछे उंगली से दूसरा अक्षर दबाया तो वो अक्षर ये नहीं देख पाता, क्योंकि उस समय जितनी भी लेजर लाइट है उसके आगे नहीं आ पाती, आपकी उंगलियों से आप नहीं जा पाती, इसलिए वो उन्हें टेक नहीं कर पाता, इसलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि लेजर कीबोर्ड क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।